तो आज है मेरे पास रियलमी C33 मोबाइल, और अगर आप इसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाओगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपसे मिल जाएगा सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट दिख रहा है, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप किसी पर भी क्लिक कर लीजिए, मैं फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक पैटर्न बना लीजिए जो भी आप रखना चाहते हो, उसके बाद नेक्स्ट करिए और फिर से वही पैटर्न डाल दीजिए और कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर डन कर दीजिए, और डन करने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर दिया गया, यानी कि बटन पे आपके फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो उस पर आपको स्कैन करवा लेना है। तो यहाँ पर मैं स्कैन करवा लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्कैन करवा लेंगे तो इस तरीके से डन आ चुका है, डन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके आप दूसरे फिंगर को भी ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो लॉक है वो लग चुका है। देखिए जैसे हम फिंगर लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑन हो रहा है। सॉरी गाइज, मेरे फिंगर में कुछ लगा हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर ऑन हो रहा है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं।